यार ये वाला व्यू देख रहे हो, बादल और प्योर स्नो, एकदम फ्रेश स्नो है, कोई फुटस्टेप्स भी नहीं है, और कभी कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो ये जो बैकग्राउंड है बहुत अल्टीमेट लग रहा है। तो वो जो पत्थर दिख रहा है वो नगारू है। बेसिकली आज हम लोग वहीं स्टे करने वाले हैं कैंप साइट में। बेसिकली आज का जो हमारा रास्ता है, ट्रेल है, वो बोल्डर से भरा हुआ है और थोड़ा स्टीप है एज कम्पेयर टू एशोर। हमें वहाँ तक जाना है, देयर राइट, वो रेस्ट सिद्धार्थ भाई, वहाँ तक जाना है, फिर आगे से हमारा रेस्ट होगा। कैसा लग रहा है भाई? अरे बहुत औसम, दिस इज माय सेकंड टाइम ऑफ सर पास। एक बार मई एंड में आया था, अभी ये अप्रैल स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ है, मतलब अप्रैल स्टार्ट फर्स्ट वीक में ही शुरू होता है, उससे पहले तो बंद ही रहता है। Prince bhai, how is the experience sir? It's very good. How do you feel? बहुत मजा आ रहा है स्नो, देखो कितना सही लग रहा है। हमारा तो कैंप साइट है, थोड़ा ऊपर है पहाड़ की तरफ, तो अभी आई गेस एक घंटा और लगेगा। आप कोई टिप्स देना चाहोगे? हाँ जी, कंटिन्यूटी इन ईच एंड एवरीथिंग, राइट, यू नो, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट जस्ट कीप ऑन मूविंग। गाइस हमारा कैंप आ गया है, वो देखिए, दैट्स आवर कैंप फॉर नगारू। काफ़ी मुश्किलों से गुजरते हुए आए हैं इधर। कैसा लगा भाई, एक्सपीरियंस बताओ? अरे मज़ा आ गया, यहाँ पे आना चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो आओ ही। इवन दो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत हाई अल्टीट्यूड पहुँच चुके हैं और हमारे लीडर्स ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है गॉगल्स नहीं खोलने को, अदरवाइज आइज में पेन हो सकता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पे नगारू में, और जो मौसम का नज़ारा है वो भी चेंज हो रहा है। सुबह में बहुत तेज़ धूप थी और अब काले बादल आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करना ये है कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सेकेंड हाफ में बारिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और जो ट्रेल है वो थोड़ा सा रिस्की है, नैरो ट्रेल है, स्टीप भी है, पत्थर है, लूज पत्थर है, वहाँ चलने में आपको दिक्कत हो सकता है। ऑल थैंक्स टू डिकैथलॉन, मैंने जो शूज़ लिया था डिकैथलॉन से, ये बहुत अच्छा अच्छा ग्रिप है, गुड ट्रैक्शन, और जो ट्रैकिंग पोल था वो भी अल्टीमेट है। जब आप ये स्नो पे वॉक कर रहे हो ना, तो एक बात ध्यान में रखना, जो ट्रैकिंग पोल है उसको अच्छे से एकदम गाड़ के तब आगे बढ़ना, नहीं तो आप फिसल सकते हो। तो गाइस ये हमारा कैंप साइट है, 5-6 कैंप्स लगे हुए हैं, और अंदर में कुछ ऐसा सा है, 3 लोग आराम से हट जाएंगे। एज कम्पेयर टू यस्टरडे आज का कैंप थोड़ा बड़ा है, पता नहीं यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन वो जो स्पॉट है वो है हमारा मेन थास का कैंप साइट, और वहाँ जो आप विलेज दिख रहा है दैट इज ग्रैंड विलेज, वो जो आप पीक देख रहे हो सर पास उसके आगे है। Before I saw who I could be, kept thinking where did I go wrong, then realizing where I do come from, was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, cause I was made to be free.
made to be free.